श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नौमी, दसवीं और एकादशी ये तीन दिन के विशेष उपाय हैं जो हमें लगातार करना है। साथ में अगले दिन रविवार की प्रदोष भी पड़ रही है, ये विशेष उपाय। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अष्टमी कब है, नौमी कब है, दसवीं कब है। तो देखिए, 10 तारीख की है नौमी तिथि, 11 तारीख की है दसवीं तिथि और 12 तारीख की है एकादशी, जी हाँ, और 13 तारीख की है प्रदोष। ये कुछ विशेष तिथियों वाले उपाय हैं जो गुरु द्वारा बताए गए, आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी चल रहा है श्रावण अधिक मास का महीना पूरा होने वाला है, क्योंकि 16 तारीख को है अमावस्या और अमावस्या जैसी पूरी होगी वैसी अगले दिन से लग जाएगा फिर से श्रावण का महीना। तो अधिक मास पूरा होने के पहले आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करिएगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, आप तारीख और तिथि समझ लीजिएगा कि किस तिथि को करना है। तो यह जो उपाय है यह आपको एकादशी के दिन करना है, यानी आपको 12 तारीख के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है। उस दिन अधिक मास की एकादशी, बार बार मौका नहीं मिलता है, तो इस एकादशी पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए और अपने पति की उन्नति और तरक्की के लिए हर सुहागन महिला को एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। और यह उपाय आपको घर पर ही करना है, जी हाँ, घर पर ही करना है। कैसे करोगे, देखिए, आप सभी के घर में विष्णु भगवान की मूर्ति या प्रतिमा या फिर एक फोटो तो होगा ही होगा, और अगर नहीं है तो फटाफट जाना और लेकर आना। मात्र 10 रुपए में एक फोटो मिल जाता है आपको, आप लेकर आइए, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में विष्णु भगवान की फोटो तो होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो लेकर आइए, अगर है तो फिर क्या करेंगे, कैसे करना है उपाय, देखिए, आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम, ठीक है, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी कुमकुम लीजिएगा। अब ध्यान सुनने का कैसे करना है, विष्णु भगवान का जो राइट पैर हो, राइट पांव हो, और आपका कौन सा हाथ होगा, उल्टा हाथ, तो आपके उल्टे हाथ तरफ, तो विष्णु भगवान का कौन सा पांव हो गया, वो सीधा पांव हो गया, वहां आपको चढ़ाना है एक चुटकी हल्दी, केवल हल्दी समर्पित करना है, चढ़ा दिए आपने। फिर उसके बाद विष्णु भगवान के उल्टे पांव तरफ आपको चढ़ा देना है एक चुटकी कुमकुम, जो दिशा बताई है गुरुजी ने सेम वैसे चढ़ाना है, विष्णु भगवान के राइट पैर तरफ हल्दी और उल्टे पांव तरफ कुमकुम चढ़ा दीजिए। बस इतना से यह उपाय, इस उपाय को करने से आपके पति की तरक्की उन्नति होगी और आयु जो दीर्घ होगी होगी। यह उपाय विशेष एकादशी के दिन ही किया जाता है। दूसरा उपाय देखिए, जो दूसरा उपाय है हमें 3 दिन लगातार करना है, यानी दसवीं, एकादशी और द्वादशी। द्वादशी यानी प्रदोष तिथि। क्या करना है, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, भय लगा रहता है, सपने में मरे दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, सपने में सर्प दिखते हैं, सपने ऐसे आते हैं कि कोई मर गया है, या कोई मतलब अजीब अजीब सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती, नींद खुल जाती है, अगर आपकी, आप बहुत परेशान हो गए हो सपनों से, तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। क्या करना है, देखिए, आपको आपके घर में रोज रोटी बनती है, सभी के घर में बनती है रोटियां, तो सबसे पहले जो रोटी बने उस रोटी के ऊपर आपको रखना है गुड़, जी हाँ, इसके ऊपर रखना है गुड़ का एक छोटा सा बाइट, और उस रोटी को आपको गाय माता को खिलाना है। अब आप बोलोगे दीदी, गाय माता को तो हम रोज खिलाते होंगे, पर आपको बोल के खिलाना है कि हमें सपने आते हैं बुरे और इसलिए हम ये उपाय कर रहे हैं। आपको लगातार 3 दिन तक गाय माता को पहली रोटी के ऊपर गुड़ रखकर खिला देना है। जिस व्यक्ति को सपने आते हैं वह व्यक्ति स्वयं इस उपाय को करे, लगातार 3 दिन तक करना है बस, और एक बार करना है, फिर देखिएगा आपके सारे सपने आना बंद हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सपने आना शुरुआत हो जाएंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय वीडियो के बीच में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप तारीख नोट कर लो। गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा उसको जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या फिर कोई ऐसा कार्य है जो काफी समय से अटका पड़ा हुआ नहीं हो रहा है, कोई मनोरथ है जो बाबा से आप काफी समय से बोल रहे हैं
रोष लगे हुए हैं पर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यह आपको उपाय करना है विशेष। क्या करना है देखिए, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, एक ही कलश नहीं, 2 कलश लेना और दोनों कलश में जल भरना है और जाना है शिवालय। और शिवालय पहुंचकर पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिल जाए आप इस उपाय को कर लेना। 2 लोटे जल शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में आपको समर्पित करना है, ठीक है। 2 लोटे जल एक ही धारा में समर्पित करोगे। जल पूरा चढ़ाने के बाद जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, धीरे 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 एक ही धारा में जल समर्पित करते जाना। मंत्र का उच्चारण कौन सा करना है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद आपको एक फूल चढ़ाना है और वह फूल होना चाहिए कनेर का पुष्प। जी हाँ, कौन सा पुष्प, कनेर का पुष्प, वह आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और जो फूल की डंडी होगी, आप जहाँ बैठे हो आपसे ठीक विपरीत और आपको डंडी का मुख करना है, यह चढ़ा देना है। अब यह उपाय जो करना है हमें, वह करना है 16 अगस्त को। जी हाँ, अब आप सोचो कि अदिति ने अभी से बता दिया है, इसलिए बताया है क्योंकि अगर कनेर का पुष्प आपके पास नहीं हो तो आप अरेंज करो, कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाओ और इस उपाय को तो अवश्य करना। 16 अगस्त के दिन अमावस्या है और यह पूरे अधिक मास का महा उपाय है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा और जिस कामना से करेगा, गुरु जी ने कहा वह मनोकामना उसकी पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, यह जो उपाय है धन संपदा वृद्धि के लिए है। अगर यह उपाय आप कर लेते हो तो फिर आपके जीवन में कुबेर भंडारी इतना खजाना भर देंगे, कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी आपको कर्जा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यह उपाय केवल श्रावण की दशमी के दिन किया जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों को पता है और आपने यह उपाय कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि ये आखिरी मौका है, फिर मौका दोबारा आपको साल भर बाद मिलेगा। क्या करना है आपको, लेना है समी के पत्ते। जी हाँ, समी के पत्ते, अब वह पत्ते आप कम से कम 11 तो ले ही ले। कितने पत्ते, 11 पत्ते, 11 ले ले या फिर 21 ले या फिर 31 ले, सबसे कम से कम मैंने बताया है, जैसे गुरु जी ने बताया है, वह 11 ही लेना है आपको। 11 समी पत्र, थोड़ा सा शहद, शहद में समी पत्र को डुबा ले, भिगो ले, गीले हो जाए, शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर बाबा के शिवलिंग के ऊपर यानी पिंडी के ऊपर चढ़ाना नहीं है, केवल बाबा का आपको श्रृंगार करना है। जैसा आपको आए, जैसा आपको लगे कि बाबा इस श्रृंगार में अच्छे लगेंगे, ये समी पत्र यहाँ चिपका दे, समी पत्र वहाँ चिपका दे, ऐसे आपको पूरे शिवलिंग के ऊपर 11 की 11 समी पत्र समर्पित करना नहीं है, केवल बाबा का श्रृंगार करना है। 11 समी पत्र से श्रृंगार करिए। जो गुरु जी ने कहा था कि जो दसवीं तिथि के दिन बाबा का समी पत्र श्रृंगार कर देता है, उसके बाबा भी उसको धन संपदा से माला माल कर देता है, तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। पांचवा उपाय, यह उपाय करना है आपको 10 अगस्त को। जी हाँ, क्या करना है, आपका जो भी मनोरथ हो, जो भी भाव हो, और वह भाव मन में सोच कर, वह मनोकामना का ध्यान करके और महादेव का स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए आपको गीता जी का दान देना है। अब गीता जी का दान कैसे देना है और किस व्यक्ति को देना है, ध्यान रखें, गलती ना करें। गीता जी का देखिए, आप पहले जाइए पुस्तक की दुकान पर, पुस्तक जहाँ पर पूजा पाठ की पुस्तकें मिलती है, वहाँ एक छोटी सी डायरी मिलती है गीता जी की। जी जी हाँ, गीता जी की छोटी डायरी मिलती है, वह आप गीता जी ले आइए। आप चाहो एक लिया, आप चाहो 2 लिया, 3 लिया, गीता जी की डायरी लेके आओ। और जो व्यक्ति पढ़ने का शौकीन हो या जो व्यक्ति पूजा पाठ करता हो, उसे उस डायरी का दान दे और ऐसा कह के दे कि ये गीता जी है, हम आपको दे रहे हैं, आप जरूर पढ़िएगा, ताकि वो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़े। ऐसा नहीं आपने किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे दिए और वह व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है और गीता जी का अपमान हो रहा है, ऐसी जगह नहीं देना है। जो किसी ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, और उनके पास तो बहुत गीता जी होंगी, और वो तो अब ऐसा करे जो साधारण व्यक्ति हो और जो गीता जी पढ़ता हो या पूजा पाठ में मन लगता हो जिसका, उस व्यक्ति को दान में दे, ताकि वह पढ़े भी। तो यह दान देने से आपके मनोरथ भी पूरे होंगे, क्योंकि अधिक मास का 10 अगस्त का दान है। छठा उपाय, यह उपाय है रोग मुक्ति का। जी हाँ,
अगर बहुत ज्यादा बीमार रहते हो या पेट संबंधित कोई बीमारी है या पेट के नीचे से कोई बीमारी हो, तकलीफ हो आपको, तो आप इस उपाय को करिएगा। या रोग मुक्ति का उपाय है, आपको लेना है दुर्वा, जी हाँ, और उस दुर्वा का आपको बनाना है एक बंडल, एक बंच। और बंच तैयार करने के बाद उसका एक बंडल तैयार करके आप जाइए शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको उस दुर्वा को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब माता के स्थान पर समर्पित करोगे तब वापस से आपको उस दुर्वा को उठाना है, और उठाकर फिर आपको शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद वापस से आपको उस दुर्वा को उठा लेना है, और उठाकर आपने देखा होगा हर शिवालय में पूरा शिव परिवार विराजमान रहता है, तो गणेश जी की संगमरमर की जो मूर्ति होती है वहाँ पर गणेश जी को आपको समर्पित करना है। और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करने के बाद दो क्षण बाद उस दुर्वा को उठाकर लेकर आना है, यह दुर्वा उठाकर लेकर आना। और इस दुर्वा में आपने जो कितनी दुर्वा ली है, तो आपने ली है 21 दुर्वा, और इस 21 दुर्वा को आपको या 21 दुर्वा ले ले या 7 दुर्वा ले ले, कम से कम जितनी दुर्वा ले सकते हैं आप ले लीजिएगा। और लेकर इस बंच को उठाकर आप लेकर आए हैं, लाकर फिर रख लीजिए। और रखने के बाद जब राखी का समय आए, यानी जब राखी आती है भादों के महीने में, तो भादों के महीने में इस दुर्वा को चबा चबा कर खाना शुरुआत कर दे। ध्यान रखिएगा, चबा चबा कर खाए तब आपको अवधूतेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। अगर पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप तुरंत इस उपाय को जाकर कर लीजिए। सातवां उपाय, इस वीडियो का आखिरी उपाय है। देखिए, अगर आपने विवाह के लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है, यह उपाय कर भी लिए हैं, पर यह उपाय विशेष श्रावण का उपाय है, ये सावन के महीने में करने वाला उपाय है। नवमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि पर वह सब तिथियां सावन की होना चाहिए, और सावन के महीने में आप इस उपाय को किसी भी दिन भी कर सकते हो, यह इस उपाय की विशेषता है। यह उपाय जिनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस उपाय को वह अवश्य करके देखिए। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है। क्या करना है आपको, लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, जी हाँ, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा, और लाल चंदन लेकर आप जाइए शिवालय, और शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए लाल चंदन से 3 बिंदी, जी हाँ, एक के नीचे करके 3 बिंदी आप लगा दीजिए सलंग, आपको वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसी। जब तीनों बिंदी लगा दे, उसके बाद आपको इन्हीं तीनों बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा चंदन लेकर एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। जिस कटोरी में आपने चंदन लगाया है उसे आपने चंदन लगा दिया है, वापस से आपको उसी बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा चंदन निकाल लेना है, और निकाल कर एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिएगा, और अपने विवाह की कामना कर कर उस चंदन को लेकर अपने घर आ जाइएगा। और घर आकर जिस कक्ष में बच्चा या बच्चे सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, उस रूम में, उस कक्ष में किसी भी दीवार पर आप उस चंदन की एक बिंदी माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करके लगा दीजिए। बस इतना सा उपाय है। इस उपाय को करने से 3 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का हो जाता है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने शीघ्र विवाह का कहा है, साथ में गुरुजी ने कहा था पूरे सावन के महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे, तो प्लीज और लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जिन्हें इन उपायों की आवश्यकता है, और इन उपायों को करके वह भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।